दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है साइबर फ्रॉड, जिसको दूसरे नाम से साइबर क्राइम भी जाना जाता है। एंड जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो इसी को तो क्राइम पेट्रोल याद आता होगा या कुछ याद आता होगा, पर वो सब में बात जो मोस्टली होती थी वो फिजिकल क्राइम की बात होती है दोस्तों। पर आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्राइम की। एंड ये टॉपिक हम सभी के जिंदगी से रिलेटेड है दोस्तों, ये ध्यान रखना। उसका कारण सिर्फ एक ही है, सिंस वी ऑल आर यूजिंग इंटरनेट, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, एंड कहीं ना कहीं अनजाने में हम इसके शिकार हो जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस ऑन अ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिशिंग अटैक, टाइप्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स फॉर द सेम। दोस्तों, मैं हूँ सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिनटेक्स चाणक्य, जहाँ आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ and latest updates. And friends, I'm happy to share that with this situation, I have started a new section in our channel that is forensic and cyber security measures, जिससे सभी को फायदा होगा। दोस्तों, जब हम साइबर फ्रॉड की बात करते हैं तो this image shows you the best thing. Fraud means जालसाजी बोल सकता हूँ मैं, कुछ धोखा, ऐसा कुछ भी। एंड जब वी डोंट नो, हम लोग के कंप्यूटर के थ्रू में ही कोई इंसान हमारे पैसे चुरा रहा है। आप ये इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये एक वॉलेट है एंड किसी का हाथ आ रहा है, वी डोंट नो कि हाथ किसका है, एंड वो हम लोग की कंप्यूटर स्क्रीन जैसे तोड़ के, वैसे ही हमें नहीं पता होता है, वैसे फ्रॉड करके, वो साइबर फ्रॉड करके हमारे पैसे ले जाता है। सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज फिशिंग अटैक, अ कॉमन अटैक done by hacker. And what is hacker? Hacker is such a person who is having a negative intent and who compromise our system. अब सिस्टम की बात करो, it includes my computer, mobile और अब जब फ्रेंड्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ साइबर अटैक्स की, तो उसमें जो फिशिंग अटैक है उसके आज आपको मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ जो फेसबुक में मेरे साथ हुआ। एंड ये सुनने के बाद में आपको कहीं लगेगा कि कहीं आपके साथ भी हुआ होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने एक ये मोबाइल के ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मेरे। अब जब उसमें बात करता हूँ मैं, तो मेरे साथ एक फ्रेंड था जब मैं डीसा का कोर्स कर रहा था, दैट इज डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, विकास जी नाम था उनका, पूरा नाम नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली। उनके आईडी से मुझे रिक्वेस्ट आती है जुलाई 17 को कुछ 12 बजे के आसपास। उनकी डिटेल चेक करके मैं उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, जहाँ पे 3 पहले से मेरे फ्रेंड्स उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स में थे। मैं उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ और तुरंत ही उनसे मैंने पूछा, हाउ यू विकास जी। उनका रिप्लाई आया, और ये क्यों मीठा हुआ आपको वो भी बताऊंगा दोस्तों थोड़ी देर में मैं। उनका रिप्लाई आया, एक हेल्प चाहिए। आई रॉट, बोलो ना भाई स्पेलिंग गलत हुई है, टाइपोग्राफी एरर था। उन्हें बोला कुछ पैसे चाहिए। आई वाज शॉक्ड कि कुछ 6-7 साल बाद कोई अगर दोस्त आपसे मिल रहा है एंड सीधा पैसों की बात करेगा, इट इज रियली समथिंग वियर्ड फॉर यू इवन। मत लिखा मीन्स, तो बोला थोड़े पैसे आपको शाम को दे दूंगा। तुरंत एक ऐलान हुआ मेरे दिमाग में, सिंस ये सब चीजें मैं पढ़ चुका हूँ एंड मैं लोगों को इसके लिए गाइडेंस भी देता हूँ, मेरे दिमाग में एक ऐलान हुआ कि अचानक इसको पैसे की बात क्यों कर रही है, इतने समय के मिलने के बाद में थोड़ी देर बात भी कर सकता है। मैं तुरंत लिख दिया, भाई अभी तो हालत ऐसी है कि मेरे पास भी नहीं है। एंड देन बिल्कुल बेइज्जत होते हुए बंदा मुझसे ये पूछता है, अभी कितने रुपए पड़े। एंड आई थॉट कि भाई कुछ तो मुश्किल है। मैं उसके बाद लिखा 220 रुपए। उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बात खत्म। पूरे दिन में ये बात मेरे दिमाग पे चलती रही। मैं अपने कलीग से भी ये बात बोली, आज कुछ मुश्किल है। शाम को जब 8 बजे के बाद मैं उसकी प्रोफाइल देखता हूँ, उसकी प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो चुकी थी एंड जो उसके प्रोफाइल में लोग थे कोई नहीं थे, एंड उसका अकाउंट डीएक्टिवेशन में गया हुआ था। एंड आफ्टर 2 to 3 days वो अकाउंट फेसबुक ने बंद कर दिया था। मींस कैन वी से दैट दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ साइबर अटैक ऑन फेसबुक। उसके बाद मैंने फिर से उसी नाम से चेक किया तो मालूम पड़ा, ही वॉज माई फ्रेंड सिंस 2013 ऑन अ फेसबुक, एंड वो एक्टिव है उसमें। तो किसी ने उसकी आईडी जो है क्लोन की थी दोस्तों, यानी उसी नाम से उसी की फोटो लेके किसी ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। तो लेट्स डिस्कस फर्दर व्हाट इज फिशिंग अटैक। एंड फिशिंग अटैक का मतलब मैं यही कहूंगा, फिशिंग का मतलब दोस्तों सिमिलर टाइप और बहरूपिया जो हम बोलते हैं हिंदी में वैसा बताऊंगा। इन जनरल अ फिशिंग स्कैम इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट साइबर क्रिमिनल्स यूज टू गेट यूजर्स to perform some types of action to gain our sensitive or personal information, bank details, credit card information या कुछ ऐसी बात अगर मैं हिंदी में बताऊं दोस्तों, कुछ एक ऐसा स्कैम होता है जो साइबर अटैक होता है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में होता है हमारे, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल, ये सब में हमें पाया जाता है, जहाँ पे एक हैकर या साइबर क्रिमिनल जो है वो कुछ ऐसी चीजें बताता है जिस जो चीज होती फॉल्स है तो वो लेजिटिमेट यानी उसको बताए वो चीज जेन्युइन है। एंड उसका कारण यही है करने का कि ही ट्राइज कि हमारे पास से कुछ हम लोग की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसी डिटेल्स प्राप्त कर सके जैसे बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, जिससे कि वो कुछ फाइनेंशियल या और कोई तरीके से उसका बेनिफिट ले सके। एंड टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक्स। फर्स्ट इज CEO fraud and business email compromise. CEO fraud means जब बड़े होदे टॉप मैनेजमेंट का किसी ने मिसयूज किया, उनका ईमेल आईडी कुछ मिसयूज करके लोअर मैनेजमेंट के लोगों को साथ कुछ फिशिंग अटैक की हो। वो क्लोन फिशिंग, एक जैसे दिखने से दो चीजों को लेके उसका कुछ अटैक करना। डोमेन फिशिंग, डोमेन फिशिंग का मतलब जो डोमेन होता है दोस्तों जैसे www.cachaudhary.com या www.ucipr.com या www.icic.com, उसी के सिमिलर कुछ ऐसा डोमेन बना के उसको चेंज करके और सेम उसकी इमेज करके वो करेंगे। और ऐसे फ्रॉड्स बहुत होते हैं। एवल ट्विन जो वाईफाई से रिलेटेड है। HTTPS फिशिंग मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं उसका रेप्लिका बना के उसका फिशिंग अटैक करना। स्मिशिंग मींस अ काइंड ऑफ SMS फ्रॉड्स करना SMS के थ्रू। स्पीयर फिशिंग मीन्स नॉर्मल फिशिंग में लोग एक झुंड को लेते हैं, मीन्स मल्टीपल लोगों को मेल भेजते हैं जिससे कि अगर मैं 100 लोगों को भेजना हो सकता है 500 से शिकार होंगे। पर स्पीयर फिशिंग में स्पेसिफिक किसी बंदे के चूज करता हूँ उस पर अटैक करने के लिए। फिशिंग मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ ए वॉइस कॉल फिशिंग अटैक। वाटरिंग होल फिशिंग मीन्स ये बहुत कम पाया जाता है दोस्तों ये टाइप का जो अटैक है, पर इसमें मैं आपको इतना बोलूंगा दोस्तों कि दिस इज अ काइंड ऑफ दैट कि हम किसी स्पेसिफिक बंदे को बहुत लंबे समय तक उसको हम वेट करते हैं पेशेंस के साथ में, उसके बाद उसके ऊपर फिशिंग अटैक करते हैं, मोस्टली उसमें लोग फंस ही जाते हैं। एंड वेलिंग, वेलिंग इज अ काइंड ऑफ एन अटैक विच इज इवन कॉल्ड अ वेल फिशिंग, जहाँ पे हम बड़ी मछली को, जैसे मैं आपको पहले बोला था टॉप मैनेजमेंट बॉटम को करता है, यहाँ पे बॉटम मैनेजमेंट टॉप को करता है, कोई बाहर का इंसान टॉप मैनेजमेंट पे ज्यादा फिशिंग अटैक करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैंने आपको बहुत समरी आपको मैंने सबके सब अटैक्स बताए हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में इन सभी अटैक्स के जो टाइप्स है उसको मैं डिटेल में डिस्कस भी करूंगा एंड हम इनसे कैसे बच सकते हैं उसकी भी बात करूंगा। दोस्तों मेरा नाम है सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हो मेरे साथ फिनटेक्स चाणक्य, जहां आपको मिलती है फाइनेंस, टैक्सेशन एंड यस इवन साइबर एंड फॉरेंसिक की भी लेटेस्ट अपडेट्स एंड आसान नॉलेज। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।